नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हितेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो पैराग्लाइडिंग राइड है, ये हमने कुल्लू से की थी और काफ़ी, थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था ये। वो आपको एकदम बोल देंगे कि आपने खाई है आपके सामने और बोलेंगे कि आपको खाई में जंप मारनी है। तो ये एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस है कि आपने भागना है और लागे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो उड़ा के ले जाएंगे आपको। लेकिन फिर भी हमारे लिए तो ये रोज़मर्रा का काम नहीं है, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल था स्टार्टिंग में। मैं घबराया भी और डरा भी, लेकिन जो मेरे साथ में ये भाई साहब थे, इन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की, मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। कुछ टाइम के लिए मैंने गोप्रो का कैमरा पकड़ा, पर मैंने उन्हें वापस पकड़ा दिया था क्योंकि मेरे को डर लग रहा था। तो थोड़ा मैंने कैमरा पकड़ने में मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन जैसे ही मैं आसमान में था तो एक ऐसा एहसास था जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जैसे उड़ चला आसमान में मैं, सारे फिक्र उड़ा चला आसमान में मैं, लगा पंछी सा हूँ मैं, उड़ रहा हूँ इस कदर आसमान में मैं। ना कोई शोर ना कोई और था, लगा जैसे अकेला ही हूँ आसमान में मैं। ठंडी हवा का एहसास हो रहा था, फिर भी उड़े जा रहा था आसमान में मैं। तो काफ़ी जो था डिफरेंट एक्सपीरियंस, और भी वहाँ पे कई लोग थे जो राइड ले रहे थे, और ये राइड हमारी कम से कम 8 से 9 मिनट की राइड थी, जिसका 3,000 से 3,500 के बीच में आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको डिस्काउंट अच्छा भी मिल जाएगा। तो बढ़िया रहा सब कुछ। बीच में मैं फ़ोटोज़ थी, 300 रुपीज़ इन्होंने मेरे से अलग से फ़ोटोज़ के भी लिए, जो जो इन्होंने आसमान में ही लैंड करने से पहले क्लिक किए थे एक बड़े कैमरे से। और ऊपर से व्यू बहुत ज़बरदस्त दिखता है, मतलब नीचे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप एक अलग ही दुनिया में, और पंछी ऐसी फीलिंग आती है। नेक्स्ट टाइम मैं फिर दोबारा इसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहूँगा। तो आप ये इंजॉय कीजिए राइड और देखिए बहुत ही सुंदर व्यूज़ हैं। Thank you.
भाई मेरे बस कर जा मेरे बस आके भाई, तो भाई ऐसा मत कर यार चंद भाई, कैमरा पकड़ ले बस भाई, डर लग रहा है।